ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके यहाँ धन संपदा बिल्कुल भी नहीं आती, माता लक्ष्मी आपके यहाँ से हमेशा रूठी रहती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पांच उपाय को पांच तरीके से जानेंगे, कैसे करना है इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन धन प्राप्ति का जो हमारा पहला उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको आंकड़े का फूल दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारे जगहों पे इसको मदार भी बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से समझ लो। किसी भी शिव मंदिर के पास बहुत ही आसानी से आपको ये फूल मिल जाएंगे। एक फूल ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से एक तांबे के लोटे की। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आंकड़े का फूल मैंने आपको दिखाया, आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, फिर आपको उस कलश को लेके, आंकड़े के फूल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर इस उपाय को आप कर रहे हो, तो शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होगा, ठीक। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जो एक लोटा आप जल लेके गए हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक। अब जो आंकड़े का फूल है ना, वो आंकड़े का फूल कहां समर्पित करना है ये समझिएगा। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित नहीं करना है आंकड़े का फूल, कहां पे करना है, ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, इसी जलाधारी के ऊपर वो जो एक आंकड़े का फूल है, आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन आंकड़े के फूल को जलाधारी पे समर्पित करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होती, ठीक। चलो, पहले उपाय की तो बात कर ली, अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये भी आपके यहां धन संपदा अगर कमी है उसके लिए कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना, हमें मात्र एक शमी का पत्ता चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक शमी का पत्ता लेना। और उस एक शमी के पत्ते के साथ साथ एक लोटा शुद्ध जल, जो कि आप अपने घर से लेके जाओगे, मंदिर का जल नहीं चाहिए होगा, अपने घर से जल भर के ले जाना। और एक हाथ में आप एक शमी का पत्ता लेके जाना। सबसे पहले पहुँच के पहला काम क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। फेस हमेशा रखा करिए, जब भी महादेव को जल चढ़ाएं उत्तर दिशा की तरफ आप देखते हुए जल को समर्पित किया करिए। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। जल चढ़ा दिया, अभी आपके पास एक शमी का पत्ता बचा हुआ है। उस एक शमी के पत्ते को क्या करना है, आपको एक ही शमी के पत्तों को दो जगह पे समर्पित करना है माता लक्ष्मी के लिए। देखो, सबसे पहले ये जो कटी भाग आपको दिख रहा है, शिवलिंग जहां पर विराजमान होते हैं माता के हस्त कमल पर, आपको उस एक शमी के पत्र को रखना होगा। रखने के बाद यहां से आप फिर उसी शमी पत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप शमी के पत्ते को समर्पित करें, उसके बाद जल को आपको समर्पित नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला आपको यहीं पर छुआने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यह माता लक्ष्मी को खुश करने का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय था, तो जरूर करिएगा इस उपाय को, शमी के पत्ते वाला। बहुत लोग कहेंगे भैया हमारे यहाँ शमी के पत्ते नहीं होते तो हम क्या करें, तो जिस भी मेरे भाई, जिस भी मेरी बहन के पास शमी के पत्ते नहीं है, तो आप एक चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलो, दो चीजें हमने बात कर ली हैं, अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि धन संपदा के लिए ही है, ठीक। देखो, लेकिन इस पूरे उपाय को आपको बताऊंगा बहुत ही विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना, आपको मात्र 108 चावल के दाने लेना है। कितना, 108 चावल के दाने। आगे बढ़ें, साथ ही साथ आपको जरूरत होगी इस तरीके से दूर्वा की। कहोगे भैया कितनी दूर्वा, तो ज़्यादा नहीं, दो चार दूर्वा ले लेना, ठीक है। दूर्वा ले लिया, चावल के दाने ले लिए, साथ ही साथ आपको चाहिए होगा इस तरीके से दूध, और ये दूध आपका गौ माता का दूध होना चाहिए, यानी कि गाय का दूध होना चाहिए, ठीक है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से केसर। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पर जाओगे, बहुत ही आसानी से कहोगे भैया हमें केसर चाहिए, आपको केसर दे देंगे, ठीक। केसर ले लिया, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो केसर है ना, आप क्या करोगे, इस केसर में थोड़ा सा पानी डाल देना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना। और इसमें जो मैंने आपको 108 चावल के दाने दिखाए हैं, उन 108 चावल के दानों को इस केसर में डाल देना, थोड़ी देर तक भिगा देना, ठीक है। बिखर दिया, अब देखो इस पूरे उपाय को समझो। फिर इस तरीके से आपको चाहिए होगा स्टील का लोटा। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए, ठीक है। स्टील का लोटा लेना, इस स्टील के लोटे में आपको भरना होगा जल। क्या कर, कितना जल भरोगे, इतना, यानी कि आधा आपको भरना है इसमें जल, और आधा इसमें जो मैंने आपको दूध दिखाया उस दूध को भरना, ठीक है। भर लिया, और जो मैंने आपको दूर्वा दिखाई थी ना, आपको इसी दूध और जल वाले मिक्सचर में आपको उस दूर्वा को डाल देना है।
उसके बाद आपके यहाँ जहाँ पर भी लड्डू गोपाल की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, या फिर आपके यहाँ भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान राम की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उन प्रतिमा के ऊपर सबसे पहले उस दूध और जल का छिड़काव करना होगा आपको, ठीक है। कितनी बार? 108 बार छिड़काव करेंगे। और जो 108 चावल का दाना मैंने आपको केसर में भिगाने के लिए बोला है, जैसे एक बार छिड़काव किया उसके बाद एक चावल का दाना आपको समर्पित करना होगा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति 108 बार दूध और पानी का छिड़काव करता है और 108 चावल के दाने केसर में भीगे हुए भगवान लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण, भगवान राम के ऊपर समर्पित कर देता है, शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, ठीक है। अब यहीं पर बहुत सारे लोग पूछते हैं, भैया क्या दीपक जलाना है कि नहीं जलाना है? देखो, शाम का टाइम है तो आप लोग अपने घर में दीपक जलाओगे ही जलाओगे। जब भी आप कोई भी पूजन पाठ करने के लिए जाएं, कोई भी उपाय करने के लिए जाएं, चाहे गुरुजी हुए या फिर मैं हुआ, आपको दीपक जलाने के लिए बोलूँ या ना बोलूँ, आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर तीन उपाय की बात कर ली, बहुत ही अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, पैसे तो आते हैं आपके घर में लेकिन टिकते नहीं है, कब खत्म हो जाते हैं, कब माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है ना। देखो, ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हमेशा आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। देखो कैसे करना होगा, समझो। जैसे एक गेट होता है हमारे घर के पास में, जो एक होता है लोहे का गेट होता है ना, लोहे का गेट। लेकिन आपको ये काम लोहे के गेट पर नहीं करना है, जब लोहे के गेट से आप अंदर एंट्री ले लोगे तो इस तरीके से आपके घर में क्या होता है, लकड़ी का दरवाजा, जो कि मेन गेट माना जाता है, ठीक है। जिस किसी के भी घर में जो ये दरवाजे का चौखट होता है, यहाँ बीचों बीच में चप्पल, बाहर से पहना हुआ जो चप्पल होता है एकदम दरवाजे के बीचों बीच में रखा होता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा नहीं आती, कभी भी उनके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, माता लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती हैं। जिन किसी के भी घर में चौखट के बीचों बीच में चप्पल निकाले जाते हैं, आपने कभी कहीं आप किसी घर में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रैक रखे जाते हैं चप्पल जूते के लिए, वो दरवाजे के बगल में रखे जाते हैं। तो आप भी जब भी किसी के यहाँ जाया करें या फिर आप अपने ही घर में एंट्री लें, तो दरवाजे के ठीक सामने कभी चप्पल जूते मत निकाला करिए, हमेशा दरवाजे के चाहे इस साइड निकाल दो या फिर इस साइड निकाल दो, कहीं पर भी निकालो, बट बीचों बीच में मत लगाना, थोड़ा सा इससे दोष माना जाता है, माता लक्ष्मी की इससे हानि होती है, धन संपदा हमेशा आपके यहाँ कमी बनी रहेगी, तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। छोटा सा काम था, इसको आप अपनाइएगा अपने जीवन में। चार चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली जो कि थी आपके यहाँ अगर धन संपदा बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। अब एक पांचवी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ध्यान से सुनिएगा, ये है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सुनिएगा। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है, एक बेलपत्र ले लेना, ज़्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र लेना, और इस एक बेलपत्र को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। क्योंकि भैया कौन से दिन जाएंगे, देखो इस उपाय को करने का कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन करना कब है, जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो, आपको लगे कि ये काम मेरा होना चाहिए, चाहे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, शादी देखने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास एक बेलपत्र को लेके, और उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग रखना आप अपनी तरफ, ठीक है। कुछ जल वगैरह नहीं समर्पित करना, सिर्फ एक बेलपत्र समर्पित करना, हाथ जोड़ करके महादेव को देखते देखते प्रार्थना करना, महादेव मैं इस काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम ये होना ही चाहिए, हम बहुत परेशान हैं इतने दिन से, लेकिन मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, कुछ भी करके आप मेरी कामना को पूरी करना, और ये जो बेलपत्र आपने यहां पर समर्पित किया है, इसी बेलपत्र को आप उठाना और कहना महादेव से, महादेव ये एक प्रसाद के तौर पर ये बेलपत्र मैं लेके जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, ये काम मेरा आप जरूर पूरी करना। उसको अपनी जेब में रख लेना, चाहे तो अपनी पर्स में रख लो, कहीं पर भी रख लेना। उसके बाद जब आप घर लौट करके आए तो उस बेलपत्र को उस बेलपत्र को किसी भी बेल पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना, आपकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। पांच उपाय हमने यहाँ पर बात कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे। चार उपाय हमने बात की माता लक्ष्मी के लिए और एक उपाय मैंने आपको बताया आपकी मनोकामना पूरी के लिए। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कॉमेंट में आवाज़, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।